हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवेज के उपाधि को अचीव करने के लिए काफ़ी प्रोग्रेस और वर्क कर रही है एंड वेरियस स्टेप्स भी ले रही है और कह सकते हैं कि मूव कर रही है टुवर्ड्स बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बिफोर 2030। ग्रोइंग नीड्स ऑफ न्यू इंडिया, इंडियन रेलवे द्वारा काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे हैं फॉर बीइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, पंक्चुअल एंड अ मॉडर्न कैरियर ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज फ्रेट। यानी कि इंडियन रेलवे पैसेंजर और फ्रेट सर्विस के लिए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और टेक्निक्स पे भी काफ़ी ध्यान दे रही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि काफ़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली है और पॉल्यूशन को भी कम करती है, सिंस 2014 से नियरली 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है या फिर की गई है। फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन एन एसिलरेटेड मैनर, इंडियन रेलवेज ने बाय दिसंबर 2023 इलेक्ट्रिफाई बैलेंस ब्रॉडगॉज रूट्स को प्लान किया है टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगॉज रूट्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड पैसेंजर कम्फर्ट के लिए ट्रेन्स में हेड ऑन जनरेशन सिस्टम्स, यानी कि ट्रेन लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, अदर पैसेंजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट, वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई एक्सेट्रा, बायो टॉयलेट्स एंड एलईडी लाइट्स को एस्टेब्लिश एंड रिक्रिएट किया गया है। इंडियन रेलवेज द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं एज अ लो कार्बन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क विद अ लॉन्ग टर्म लो कार्बन रोड मैप, जिनमें एनर्जी एफिशिएंट एंड कार्बन फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा। इंडियन रेलवे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। द फर्स्ट इज ईस्टर्न कॉरिडोर, जो कि फ्रॉम लुधियाना टू डांकुनी तक है, विच इज़ 1875 किलोमीटर लॉन्ग, एंड द सेकेंड इज वेस्टर्न कॉरिडोर, जो कि दादरी टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक है, विच इज़ 1506 किलोमीटर लॉन्ग। सोननगर से डांकुनी, जो कि 538 किलोमीटर है, पोर्शन ऑफ ईस्टर्न कॉरिडोर को प्लान किया गया है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस कोविड 19 के पैंडेमिक सिचुएशन में भी बीइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज कंपेयर टू रोडवेज, इंडियन रेलवे नेटवर्क ने मूवमेंट ऑफ फ्रेट को कंटिन्यू किया है फॉर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो ऑक्सीजन इन दिस पैंडमिक। ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2021 टू मे 2021, इंडियन रेलवेज ने मालगाड़ियों के माध्यम से अराउंड 73 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स मूव किए हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड विद इन दिस पीरियड इंडियन रेलवे द्वारा 241 लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाए गए हैं विथ मूविंग 922 लोडेड टैंकर्स, देयर बाय ट्रांसपोर्टिंग 15,046 टन्स ऑफ ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब बात करते हैं ग्रीन सर्टिफिकेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन इंडियन रेलवे एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन जुलाई 2016 फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव्स ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवेज द्वारा काफ़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू हेल्प द एनवायरमेंट, लाइक मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर एंड पेपर कंजर्वेशन, सेविंग एनिमल्स फ्रॉम बीइंग इंजर्ड ऑन रेलवे ट्रैक्स। ऑल ओवर इंडियन रेलवेज 39 वर्कशॉप, 7 प्रोडक्शन यूनिट्स, 8 लोको शेड्स एंड 1 स्टोर्स डिपार्टमेंट को एज ग्रीन को सर्टिफाई किया गया है, जिनमें से 2 प्लैटिनम, 15 गोल्ड एंड 18 सिल्वर रेटिंग्स है। ग्रीन सर्टिफिकेशन मेनली असेसमेंट ऑफ पैरामीटर्स को कवर करता है जिसका डायरेक्ट असर एनवायरमेंट पे होता है, सच एज एनर्जी कंजम्पशन मेजर्स, यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मटेरियल कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। 19 रेलवे स्टेशंस को ऑल ओवर इंडिया ग्रीन सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है, इंक्लूडिंग 3 प्लैटिनम, 6 गोल्ड एंड 6 सिल्वर रेटिंग्स।
27 रेलवे बिल्डिंग, ऑफिसेस, कैंपसेस एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स को भी ग्रीन सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है, विच इंक्लूड्स 15 प्लैटिनम, 9 गोल्ड एंड 2 सिल्वर रेटिंग्स। इन द लास्ट 2 ईयर्स 600 रेलवे स्टेशन को भी सर्टिफाई किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू ISO। इंडियन रेलवे एंड सब्सिडरी यूनिट्स द्वारा ईच ईयर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है टू सेटअप अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, जो कि स्ट्रेटजीज एंड फोकस पॉइंट्स इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द इश्यूज ऑफ स्टेक, स्टेप्स फॉर डीलिंग विद देम को डिफाइन करता है। रेलवेज को हेल्प मिलती है टू सपोर्ट गवर्नमेंट कमिटमेंट्स सच एज पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। डिफरेंट जोन्स एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट्स द्वारा डिफरेंट चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड अप्रोच बाय इंटरनेशनल एसेट मैनेजर्स, रेलवे ऑपरेटर्स, रोलिंग स्टॉक इंजीनियर्स, सीनेरियो प्लानर्स एंड अदर्स को कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स द्वारा स्टडी किया जा रहा है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स द्वारा इंडियन रेलवेज की ओन रियलिटी एंड ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए वेरियस मेजर्स लिए जा रहे हैं बाय फेसिंग अप ऑल चैलेंजेस।